हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे पांच दानवों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। और ये ऐसे दानव थे जो इंसानों को पल भर में ही ख़त्म कर सकते थे। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये दानव आज भी धरती पर मौजूद है। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1 पे जो दानव है उसका नाम है कापा। दोस्तों कापा को पानी के राक्षस के नाम से भी जाना जाता है और इसके सर पर एक छेद होता है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से कापा को इसकी शक्तियाँ मिलती है। दोस्तों अगर प्राचीन कहानियों पर नजर डालें तो प्राचीन कहानियाँ ये बताती है कि कापा अक्सर गांव के लोगों को पानी के अंदर डुबा देता था और छोटे बच्चों को चुरा लेता था। और दोस्तों कापा के सबूत जापान में भी मिले हैं जो कि ये साबित करते हैं कि बहुत साल पहले पुराने जमाने में कापा नाम के राक्षस मौजूद थे। नंबर 2 पे जो दानव है उसका नाम है सायरन। दोस्तों ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक सायरन बहुत ही खूबसूरत लेकिन बहुत ही खतरनाक जानवर है। दरअसल सायरन एक जलपरी होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। दोस्तों सायरन दिखने में तो जलपरी जैसी लगती है लेकिन इसका रूप बहुत ही खतरनाक होता है। और ये समंदर में आने वाले मुसाफिरों को अपनी आवाज से आकर्षित करती है। और इनकी आवाज भी काफी सुरीली होती है लेकिन जैसे ही मुसाफिर इनके पास आते हैं वैसे ही ये मुसाफिरों को पानी के अंदर डुबा देती है। दोस्तों इनकी आवाज और सुरीले गाने में इतनी शक्ति होती है कि जो भी इंसान इनके गाने को एक बार सुन लेता है तो वो सब कुछ भूलकर उसी गाने की तरफ आकर्षित होता है और वहीं पर जाता है जहाँ से वो आवाज उन्हें बुला रही है। नंबर 3 पे जो दानव है उसका नाम है घूल क्रीचर। दोस्तों घूल को अरेबिया का पुराना दानव माना जाता है और ये दानव हमेशा कब्रिस्तान के आसपास ही रहता है और कब्रिस्तान के आसपास रहकर उस कब्रिस्तान में मौजूद हड्डियों को निकालकर खाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये दानव अपना आकार भी बदल सकता है, यानी कि ये आकार किसी जानवर से पलक झपकते ही एक लकड़बग्घे में तब्दील हो सकता है। और जब ये किसी इंसानी रूप या फिर लकड़बग्घे के रूप में होता है तब ये इंसानों को लालच देकर उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाता है ताकि उन्हें जिंदा खा सके। नंबर 4 ब्लैक डॉग्स। दोस्तों आमतौर पर इस दानव के बारे में आपको इंग्लैंड की लोक कथाओं में सुनने को मिलेगा। और दोस्तों इन दानवों की आंखें बहुत ही लाल और शरीर काफी बड़ा होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये दानव असल में बहुत ही बुरी आत्माएं हैं और वही कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत ही पुरानी आत्माएं जो कि एक खजाने की रक्षा कर रही है। और जब भी कोई इंसान इनके पास से या फिर खजाने के पास से होकर गुजरता है तो ये ब्लैक डॉग नाम का दानव उसे मार देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके बारे में एक मान्यता यह है कि जंगल में अगर कोई लड़की खो जाती है तो यह दानव उसे रास्ता दिखाता है। दोस्तों नंबर 5 पे जो दानव है उसका नाम है जायंट क्रीचर। दोस्तों ये दानव दिखने में लगभग हम इंसानों की तरह ही दिखाई देते थे लेकिन इनका आकार इंसानों की तरह नहीं बल्कि उनसे काफी बड़ा हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हैं दानव के रूप में। और ये दानव ज्यादातर अपना समय जंगलों में ही बिताते थे और जानवरों का शिकार करते थे। और दोस्तों आपको बता दें कि प्राचीन समय में राजा और महाराजा इनका इस्तेमाल लड़ाई में और हथियारों की तरह किया करते थे। और दोस्तों दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे विशाल कंकाल मिले हैं जो कि ये साबित करते हैं कि ये दानव प्राचीन समय में हुआ करते थे, इनके सबूत भी मिले हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।